हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल संगीता टीचर। बच्चों आज हम अपने सिक्स स्टैंडर्ड इंग्लिश का सिक्स लेसन लर्न करेंगे, द पिकॉक एंड द क्रेन। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए पूरे जोश और उल्लास के साथ शुरू करते हैं अपना आज का ब्यूटीफुल लेसन, द पिकॉक एंड द क्रेन। अब ये पिकॉक और क्रेन दोनों क्या है? बर्ड्स है। पिकॉक आप सभी को पता है, नेशनल बर्ड ऑफ आवर इंडिया। तो ये जो लेसन है ना बच्चों, इसमें इन दोनों बर्ड्स के डायलॉग्स दिए गए हैं। सो लेट्स सी क्या डायलॉग्स हैं इनके। वंस देयर वाज अ कंसीटेड पिकॉक हु हैड अ गॉर्जियस टेल लाइक नो अदर बर्ड। कंसीटेड मींस वेरी प्राउड, वी कैन से एरोगेंट। सो दिस पिकॉक, यू नो, ही वाज वेरी एरोगेंट। व्हाई ही वाज वेरी एरोगेंट? बिकॉज ही हैड अ गॉर्जियस टेल। गॉर्जियस मींस ब्यूटिफुल, ग्रेसफुल। उसके पास क्या थी? ब्यूटिफुल टेल थी, जो किसी भी बर्ड के पास नहीं है। नो अदर बर्ड हैज, इजंट इट? दैट्स वाई ही वॉज फीलिंग प्राउड ऑन हिमसेल्फ, दैट्स वाई ही इज कंसीटेड। सो वन डे ही मेट अ क्रेन, क्रेन को वो मिला। एंड एज सून एज ही सॉ हिम, नो व्हेन ही मेट हिम, ही स्कॉफ्ड एट हिज कलरलेस एंड डल फेदर्स। वो उस पर हंस पड़ा। स्कॉफ्ड एट मीन्स टू लाफ एट, rudely, scornfully, in simple language we can say he made a fun of that crane, or he was teasing him. Very bad, na? This habit is very bad. So he was teasing this crane. Why? Because he has no color. Because we all know crane is of white color. Usko white color hota hai, and he says dull feathers. Dull means not bright. So he scoffed at his dull feathers. And immediately he spread his own tail in front of him so that this crane can see and admire him. देखो purposely ये कर रहा है considered peacock, ताकि crane क्या करे, उसको admire करे, उसकी तारीफ करे, appreciate करे. So he says, look at my feathers, he boasted. Boasted means self praise. वो खुद की तारीफ कर रहा है, खुद की बढ़ाई कर रहा है. He knows, everyone knows, he is a beautiful bird, he has a beautiful tail, but purposely he says, look at my feathers, how they shine, no, in all the colors of rainbow. See what he says, mere ye jo feathers hai na, ye rainbow ki tarah shine kar rahe, while yours are so pale. Dekho uske feathers ko kya keh raha hai, pale keh raha hai. Pale means same, dull, pale, same hai, not bright, while yours are dull or pale feathers. I am dressed like a king. खुद को king बता रहा है, बोलो ये peacock, क्योंकि ये beautiful है. Everyone likes him, everyone love him. And जैसे हम movies में भी देखते हैं, serials में देखते हैं, खास करके जो king का जो appearance होता है वो बहुत बहुत अच्छा होता है. He comes in a flashy clothes, beautiful ornaments, crown होता है सर पे. तो this peacock is telling himself a king, खुद की तारीफ. बट दिस क्रेन इज वेरी गुड नेचर बर्ड, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा. ही डिडंट गेट हर्ट बिकॉज ऑफ हिज स्टेटमेंट्स, बिकॉज ऑफ हिज टीजिंग. समझदार है ये क्रेन. ही सेज यस दैट्स ट्रू. हु सेज? क्रेन सेज. क्रेन अभी एग्री कर रहा है. ही एग्री दैट यस, आई हैव नो कलर्स, आई हैव डल फेदर्स, ओके, नो प्रॉब्लम, एंड यू आर ब्यूटिफुल, दैट ऑल्सो ही एग्री. सी कितना समझदार है ये क्रेन. बट ही इज टेलिंग नाउ वन एडवांटेज विच ही हैज एंड विच पिकॉक डोंट हैव. इसके पास जो एडवांटेज है वो पिकॉक के पास नहीं है. अब कौन सा एडवांटेज? नाउ ही सेज, अभी इसकी बारी है, ही इज टर्न नाउ. ही सेज, आई कैन फ्लाई हाई अबव इन द स्काई अमंग द क्लाउड्स एंड द स्टार्स. व्हाट ही सेज? कि मैं ऊंचा उड़ सकता हूँ, हाई अबव इन द स्काई. मैं क्लाउड्स में उड़ सकता हूँ, क्लाउड्स को देख सकता हूँ. आई कैन सी ऑल द ब्यूटिफुल स्टार्स. नॉट ओनली दिस चिल्ड्रन, इवन ही कैन सी द ब्यूटी ऑफ द अर्थ एंड इट्स ग्लोरी. ब्यूटी एंड ग्लोरी इज सेम. अभी वो कौन सी ग्लोरी देख सकता है अर्थ की? ऑल द नेचुरल रिसोर्सेस, रिवर्स है, माउंटेन्स है, ट्रीज है,
डेंस फॉरेस्ट है, जितने भी सारे नेचुरल रिसोर्सेज है ना बच्चों, ही कैन सी फ्रॉम दैट ग्रेट हाइट विच पीकॉक कैन नॉट, इजंट इट? सो दिस इज द प्लस पॉइंट फॉर द क्रेन. सो ही सेज आई कैन फ्लाई हाई अबाउट द स्काई, आई कैन सी ऑल द ब्यूटी, बट यू कैन नॉट बिकॉज यू आर लिविंग डाउन, यू आर जस्ट लाइक एनी अदर कॉक. तुम कैसे हो? बाकी के कॉक जैसे हो. कॉक मीन्स मेल बर्ड. तो दैट मेल बर्ड यू नो वो क्या कर सकते हैं, जैसे ये पिकॉक, पिकॉक भी है ना एक्चुअली उड़ सकता है बच्चों, इवन ही कैन फ्लाई, बट नॉट लाइक क्रेन. क्रेन तो बहुत ऊंचा उड़ता है, ही कैन फ्लाई हाई अबव इन द स्काई, बट पिकॉक कैन फ्लाई टू अ सर्टेन हाइट. ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्री तक उड़ सकता है, एक ट्री से दूसरे ट्री पर जा सकता है, बट ज़्यादा नहीं उड़ सकता है. सो व्हाट दिस क्रेन सेज, यू आर जस्ट लाइक एनी अदर कॉक. जो बाकी के जो कॉक है वो भी नहीं उड़ सकते बिकॉज दे हैव अ ह्यूज बॉडी स्ट्रक्चर. पीकॉक का भी सेम प्रॉब्लम है, ही हैज़ अ ह्यूज बॉडी स्ट्रक्चर, उसका साइज बड़ा है, उसका शेप जो है वो बड़ा हैवी स्ट्रक्चर है उसके बॉडी का, हैवी टेल्स है, फेदर्स है, एंड दैट्स वाई ही कैन नॉट फ्लाई हाई अबव इन द स्काई. सी दिस इज अ प्लस पॉइंट विच क्रेन हैज. सो ये बातें बोल के क्रेन फिनिश करता है एक ब्यूटिफुल स्टेटमेंट से. वॉट ही सेज एट द एंड, फाइन फेदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स. करेक्ट कहा उसने, दिस सेइंग इज यूज इन अ नेगेटिव सेंस बच्चों. द मीनिंग ऑफ दिस सेइंग इज इफ योर अपियरेंस इज गुड, इफ यू आर फ्लैशी क्लोथ्स, इट डजेंट मैटर आफ्टर ऑल बिकॉज द इनर पोटेंशियल इज इम्पॉर्टेंट. ये जो एक्सटर्नल जो अपियरेंस है ना, ये कुछ भी वैल्यू नहीं है इसका. अगर आप में कोई भी पोटेंशियल नहीं है, एबिलिटी नहीं है, स्किल नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, देन दैट अपियरेंस इज ऑफ नो वैल्यू, इट्स जीरो. सो इनर वैल्यू शुड बी देयर, इनर टैलेंट शुड बी देयर विच दिस क्रेन हैज. क्रेन कैन फ्लाई. सो दिस इज द स्टेटमेंट ही यूज्ड. सी चिल्ड्रन, रिमेंबर, डोंट बी लाइक पीकॉक. Don't be like conceited peacock. Never tease anyone else on their weakness. Because every person is different, every child is different, isn't it? हर एक के पास अपना स्किल होता है, टैलेंट होता है. जो हमारे पास स्किल है वो दूसरे के पास नहीं होगी, या उनके पास जो स्किल है वो हमारे पास नहीं होगी, isn't it? So we should never tease anyone, even we should not compare with anyone else. We should never judge anyone by their external appearance. So remember, be like crane, don't be like peacock. Peacock is a conceited, no, here. So we should always be like crane. Samajhdar hame rehna hai, crane ke tarah. Aayi baat samajh mein? So I hope this lesson is crystal clear to you. If still you find any doubt, ask me in the comment section. I'll surely try to reply your comments. Okay, we'll meet soon in the next video. Till then, bye-bye.